हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th और 12th के लिए ग्रामर। तो फ्रेंड्स, मैंने 10th की शुरुआत की है, जिसमें मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोज नहीं पढ़े तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज आप उसे पढ़ लीजिए। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडेफिनिट जो वाक्य हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें या तो किसी कार्य के निरंतर मतलब किसी कार्य के आदत होने का बोध होता है, ठीक है। और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें हमें ऐसे कार्य मिलते हैं जो कि भविष्य में होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इन वाक्यों के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द आते हैं, यानी कि इन वाक्यों में जब वाक्यों का अंत होता है तो उसमें जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, उसमें गा गे गी का उपयोग होता है। जैसे हम कहते हैं कि वह खाएगा, तो खाना एक वर्ब है, और जबकि उसमें गा यानी वह खाएगा, उसमें जो है गा लग चुका है, जिसमें जो कि हमारा वर्ब है। जैसे कि यहां पे सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो लिखना एक वर्ब है जिसमें गा का उपयोग हुआ है। अब इसी की जगह पे मैं एक पत्र लिखूंगी या वह पत्र लिखेंगे, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बस यही है कि वाक्यों के अंत में या फिर क्रिया के साथ हमें गा गेगी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो कि है पहला सेंटेंस टाइप। इसमें जो है हमें ये सिंपल पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें ना तो किसी नकारात्मकता की का बोध होता है और ना ही किसी तरीके का कोई प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सिंपल और साधारण रूप से एक कथन को कहा जाता है, एक स्टेटमेंट को पास किया जाता है, जिससे हमें उस कथन का पता चलता है। इसमें ना तो किसी नकारात्मकता की बात होती है और ना ही कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। तो आई और वी के साथ हमें लगाना है शैल। तो बेसिकली जो फ्यूचर के जो रूल्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें आई और वी का ही ध्यान देना होता है, यानी कि सिंपली आई और वी के साथ हमें लगाना है शैल। उसके बाद अन्य सभी यानी ही शी इट दिस दैट नेम यू दे दीज दोज और नेम्स, यानी कि एक से ज़्यादा नाम जब एंड के साथ जुड़े हों, इनके साथ हमें लगाना है विल। यानी हमें ये पता चल गया है कि आई और वी, सिर्फ आई और वी के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। अन्य सभी कर्ताओं यानी कि उसके अलावा कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमें लगाना है विल, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाना है। हमेशा हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, यानी कि सदैव हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग इसमें करना है। स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है मेनली जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके लगभग सेम होते हैं अफर्मेटिव के, बस जो हेल्पिंग वर्ब है और जो बाकी जो सेंटेंस है वो चेंज होते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं, स्ट्रक्चर बेसिक सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम यह जो पहला सेंटेंस है यानी कि मैं एक पत्र लिखूंगा, इसे हम बनाते हैं। हमें बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, तो अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है तो मैं उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से आप इसको छांट सकें, आपको इसको छांटने में मुश्किल ना आए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की यानी कि मैं, ठीक है। तो वाक्य में जिसके बारे में भी बात होता है यानी कि वाक्य में जो भी कार्य करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि मैं एक पत्र लिखूंगा तो कौन पत्र लिखेगा? मैं, ठीक है। तो जो मैं है वो है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि उस सेंटेंस की पहचान, यानी वाक्यों में जो भी सेंटेंस की पहचान हमें कराते हैं शब्द, वो हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि गा गेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे जो गा है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि क्रिया यानी कार्य। तो इसमें क्या कार्य हो रहा है? लिखूंगा यानी कि लिखना, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम पूछेंगे यहाँ पे मैं भी हो गया, लिखूंगा भी होगा, तो अगर हम पूछें कि मैं पत्र लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो आ जाता है एक पत्र जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सेंटेंस को हमने छाड़ दिया, अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे आई, और जैसे कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि आई और वी के साथ हमें लगाना है शैल, तो हमें यहाँ पे आई है तो हम यहाँ पे लगाएंगे शैल। लिखने की इंग्लिश राइट, क्योंकि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद एक पत्र यानी कि अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो बन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, यानी कि हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि हम, जिनके बारे में बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब यानी गे। उसके बाद आता है वर्ब जाएंगे यानी कि जाना, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहां लिखेंगे वी, और वी के साथ हमें लगाना है शैल। उसके बाद हम लिखेंगे गो टू स्कूल। ठीक है, वी शैल गो टू स्कूल। तो अगला सेंटेंस है हमारा, तुम किताब पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है तुम, हेल्पिंग वर्ब है गे, उसके बाद वर्ब है हमारा पढ़ना, और ऑब्जेक्ट है किताब। ठीक है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे यू। अब क्योंकि हमें पता है कि केवल आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है, बाकी सबके साथ हमें लगाना है विल, तो हम यहां लगाएंगे विल। उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश रीड, उसके बाद यू विल रीड, और यहां पे किताब की इंग्लिश यानी कि बुक, यानी यू विल रीड बुक। ठीक है, तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि आई और विल के साथ भी हम कहीं कहीं देख आई और वी के साथ भी हम कहीं कहीं देखते हैं कि विल लगा होता है। तो या फिर जैसे इसमें क्या होता है कि कोई ऐसे कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें अवश्य का बोध होता है, जैसे कि हम अगर किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो अगर हम किसी को गुस्से में कहते हैं तो वो जो दृढ़ता जो होती है हमारे संकल्प में वो आ जाती है। उस वक्त हम आई के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब वाक्य में कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा हमें बोध होता है जिसमें अवश्य आता है, उस वक्त हम आई और वी के साथ भी विल लगाते हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि मैं कल ज़रूर आऊँगा, अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं कल अवश्य आऊँगा, तो उस परिस्थिति में हम यहाँ पे लिख देंगे आई विल कम। ठीक है, तो उस तरीके से जैसे क्या होता है जब वाक्यों में अवश्य लिखा होता है या फिर जरूर होता है या फिर कोई ऐसा कार्य उसमें होता है कि जो वो जरूर करेगा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं उसमें जब कोई कार्य होता है कि हाँ वो कार्य हम जरूर करेंगे, उस वक्त हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो रिटन होता है, जो हमारा ट्रांसलेशन होता है, उसमें अगर अवश्य ना लगा हो तो हमें विल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, यानी आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव जो है यहां पे हमारा खत्म होता है। इसका हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी वो वाक्य जिनमें सकारात्मकता का बोध होता है, जिसमें किसी तरीके का नकारात्मक और किसी तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं इसके रूल्स के ऊपर। रूल्स बहुत इजी हैं, आई और वी के साथ हमें लगाना है शैल, अन्य सभी यानी ही शी इट दिस दैट नेम यू दीज दोज नेम्स, इन सबके साथ हमें लगाना है विल। सदैव हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस टाइप की, यानी कि तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा सेंटेंस टाइप है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये फ्यूचर का ही है, तो इसके जो वाक्य के जो पहचान होंगे बिल्कुल पहले की तरह ही सेम होंगे, यानी कि वाक्य के अंत में आएंगे गा गेगी, और साथ में इसके नहीं शब्द भी आएगा जो कि नकारात्मकता का बोध हमें कराएगा। रूल्स बिल्कुल पहले की तरह सेम है, आई और वी के साथ लगाना है शैल नॉट, अन्य सभी के साथ हमें लगाना है विल नॉट, यानी कि अन्य सभी कर्ता यानी कि ही शी इट दिस That name, you, they, these, those, और names, यानी एक से ज्यादा के जो नाम है उन सबके साथ हमें लगाना है will not। verb में सदैव लगाना है verb का first form, यानी कि हमें हमेशा इनमें verb के first form का ही प्रयोग करना है। उसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इजी है, यानी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी कि सब चीज़ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। ठीक है, तो अब हम इसको इसका जो पहला सेंटेंस है वो देखते हैं, यानी कि हम कल आम खरीदने नहीं जाएंगे। ठीक है,
हम कल आम खरीदने नहीं जाएंगे, तो क्योंकि इसमें नहीं है तो ये निगेटिव है और गे यानी कि ये इसका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि ये फ्यूचर इनडिफिनिट है। ठीक है, तो हम इसको छांटते हैं। सब्जेक्ट यानी कि वाक्य के बारे वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि वाक्य का मुखिया यानी कि हम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है गे क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ उसको जोड़ा गया है। नॉट की जगह लिखना है हमें नहीं। अब यहाँ पे हमें दो दो वर्ब दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक सेंटेंस को मैंने इंक्लूड किया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब दो वर्ब हो। तो यहाँ पे दो दो वर्ब्स दिख रहे हैं हमें, यानी कि खरीदना भी और जाना भी है। तो इस परिस्थिति में हमें ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि जो कार्य हम पहले करेंगे उसको हम फर्स्ट वर्ब मानेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे हम सेकेंड वर्ब मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कल आम खरीदने जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले वो जाएगा तभी तो आम खरीदेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम पहले लिखेंगे जाना, उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे खरीदना। ठीक है, अब इन दोनों वर्ब्स को हमें ऐड करना है टू के साथ, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जब दो अलग अलग वर्ब हैं तो उसे किसी ना किसी वर्ड से या आर्टिकल से तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो है इसमें लगाएंगे टू, यानी कि टू जो है इन दोनों को ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो जोड़ है वो है टू। ठीक है, तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि आम, यानी जो चीज़ वो खरीदने जाएंगे वो है आम। उसके बाद है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड यानी कि कल। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो है वो छट गया, अब हम इसको बना लेते हैं। तो पहले आता है हम यानी कि वी, और वी के साथ हमें लगाना है शैल, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद गो टू, खरीदने की इंग्लिश बाय, मैंगो, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे टुमोरो। ठीक है, तो ये इजिली जो हमारा सेंटेंस है वो बन गया है, वी शैल नॉट गो टू बाय मैंगो टुमोरो। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है कि वह तुम्हारे घर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट छांटेंगे यानी कि वह, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि गा, नॉट की जगह पे लगाना है हमें नहीं, वर्ब यानी कि रहना, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि तुम्हारे घर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो छट गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वह यानी कि ही, क्योंकि वाक्य से हमें पता चल रहा है कि ये पुलिंग है। उसके बाद ही के साथ, क्योंकि हमें लगाना है विल, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, रहने की इंग्लिश यानी लिव, या फिर हम स्टे भी लिख सकते हैं, तुम्हारे घर यानी योर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एट ताकि सेंटेंस को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल सके, यानी कि ही विल नॉट स्टे, ही विल नॉट लिव एट योर हाउस। उसके बाद अगला सेंटेंस है मैं यह नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले यानी कि मैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि गा, नॉट की जगह पर लगाना है हमें नहीं, वर्ब यानी कि खाना, और इसका ऑब्जेक्ट है यह। ठीक है, यहाँ पे यह की जगह पे ये भी हो सकता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो अगर इसे या उसे हो तो उसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे जहाँ पे होगा वहाँ हमें लगाना है दिस, और उसे जहाँ पे होगा वहाँ हमें लगाना है दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं की इंग्लिश यानी कि आई और वी के साथ, क्योंकि हमें लगाना है शैल, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और खाने की इंग्लिश यानी ईट, और यह के लिए लगाएंगे दिस, आई शैल नॉट ईट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया है, निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे फिनिश होता है। तो इसका एक हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस यानी पहचान बिल्कुल सेम रहेगी फ्यूचर इंडेफिनिट की, यानी कि वाक्य के अंत में आएंगे गा, गे और गी, और इसके वाक्य के बीच में आएगा नहीं शब्द जिससे कि इसमें नकारात्मकता का बोध होगा। आई और वी के साथ लगाना है शैन लॉट, अन्य सभी कर्ता यानी ही शी इट दिस दैट, नेम यू दे दीज दोज और नेम्स, इन सबके साथ हमें लगाना है विल नॉट, वर्ब में हमें लगाना है सदैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, शैल, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला सेंटेंस टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये सेंटेंस जो है उस प्रकार के होते हैं जिनमें वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द आता है, ठीक है। क्या शब्द यदि वाक्य के शुरुआत में आए तो उस वक्त हम उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम सबसे पहले लिख कर क्या शब्द के लिए लगाते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर क्या शब्द जो है वाक्य के पहले आता है तो उस वक्त हमें उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखनी है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लगाना है। अब क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पहचान बिल्कुल सेम होगी, वाक्य के अंत में आएंगे गागेगी, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वाक्य में सबसे पहले आएंगे क्या, आएगा क्या, और उसके बाद हमें क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, उसके लिए लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, ठीक है। रूल्स बिल्कुल पहले की तरह सेम है, आई और वी के साथ हमें लगाना है, शैल अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमें लगाना है, विल, और हमेशा लगाना है हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर बाकी के इंट्रोगेटिव की तरह बिल्कुल सेम है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क लगाना। तो अब हम सेंटेंस जो है बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस वो है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, तो हमें इस क्या और ये जो हेल्पिंग वर्ब है गे, इन दोनों को यहाँ लिखना है, यानी कि क्या, उसके बाद यहाँ लिखना है गे, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी कि तुम, वर्ब यानी रहना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ, यानी कि वो कहाँ रहेगा, तो यहाँ। अब ये जो है मेरे साथ, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो है यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे साथ। अगर आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको सिंपली अदर वर्ड में भी लिख सकते हो, अगर कोई और अदर वर्ड ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा छट चुका है कि क्या गे तुम रहना यहाँ मेरे साथ, ठीक है। तब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे है तुम यानी कि यू, तो इसके साथ हमें लगाना है विल, यानी विल यू, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टे, क्योंकि रहना है तो स्टे या लिव हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हियर और मेरे साथ यानी कि विथ मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है, विल यू स्टे हियर विद मी। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, क्या शाम तुम्हारे घर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, तुम यहाँ लिखेंगे क्या प्लस गा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि श्याम, उसके बाद वर्ब है जाएगा यानी जाना, ऑब्जेक्ट है तुम्हारे घर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अदर वर्ड नहीं है, ठीक है। अब हम इसको बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे है श्याम, तो ये एक नेम है और नेम के साथ हमें लगाना है विल, और उसके बाद आएगा गो, और गो के साथ हम क्योंकि लगाते हैं टू, उसके बाद हम लिखेंगे योर हाउस, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है कि अगर यहाँ पे होम होता तो हम टू नहीं भी लगाते तो चलता, क्योंकि होम के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है, क्या मेरी माँ आज केक बनाएंगी, ठीक है। तब हम इसको भी बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हम लिखेंगे क्या प्लस गी, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो हमारी पहचान है, और सब्जेक्ट है मेरी माँ, उसके बाद आता है वर्ब जो है बनाएंगी यानी कि बनाना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है केक, उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड है वो है आज, क्योंकि अदर वर्ड में अक्सर टाइम डेट यही सब आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे है मेरी माँ यानी माय मदर, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें लगाना है विल, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ हमें लगाना है शैल। अब यहाँ पे केक बनाना है तो इसलिए हम लिखेंगे बेक, या फिर हम यहाँ पे मेक का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि केक पकाना होता है तो उसके लिए हमें बेक ही लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है केक टुडे, ठीक है, विल माई मदर बेक केक टुडे,
ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है बन चुके हैं। तो अब हम जो है इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है तो वाक्य के अंत में आएंगे गागेगी, और वाक्य के सबसे शुरुआत में आएगा क्या शब्द, और यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उस वक्त हम उसकी इंग्लिश वॉट नहीं लिखते हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले हम लगा देते हैं। रूल्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, आई और वी के साथ लगाना है शैल, अन्य सभी कर्ताओं यानी कि ही शी इट दिस दैट नेम यू दे दीज दोज नेम्स, इन सबके साथ हमें लगाना है विल। वर्ब में हमें हमेशा लगाना है फर्स्ट फॉर्म, और इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा इंट्रोगेटिव खत्म होता है, तो आज हम इंट्रोगेटिव तक ही पढ़ेंगे और उसके अगले पार्ट में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।